मानस में है, संपूर्ण भारतीय वाङ्मय का निचोड़ यदि कहीं है तो श्रीमद् भगवत गीता में। यह संपूर्ण विश्व वाङ्मय की उपलब्धियां हैं और मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व में रामचरित मानस की कोटि का कोई महाकाव्य नहीं हुआ और संपूर्ण विश्व सभ्यता में गोस्वामी तुलसीदास जी की कोटि का कोई महाकवि नहीं हुआ। कितना अद्भुत कवि कि इस प्रकार से रचना धर्मिता के साथ वो अपने आप को जो प्रस्तुत करता है तो हमारे बहुत सारे विद्वानों के बीच में यह मत विभिन्न भी उत्पन्न होता है कि इसे रखा कहाँ जाए, इसे महाकाव्य की कोटि में रखा जाए या इसे पुराण ग्रंथ के रूप में इसकी मान्यता मिले। और इसीलिए आप देखिए कि कह दिया गया कि उसकी तुलना किससे की जा सकती है, तो उसकी तुलना के लिए केवल एक ही ग्रंथ है और वो है वेद। कहा गया कि केवल श्रुति या केवल वेद के साथ ही हम लोग रामचरितमानस की तुलना कर सकते हैं, उसकी कोटि का कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय सभ्यता के विकास में, भारतीय संस्कृति और अध्यात्म के क्षेत्र में वह दिन सचमुच में एक गौरवशाली दिन था जब धर्म अर्थ काम मोक्ष की धारा से आगे आकर के हमारे भक्तों ने कहा प्रेमा उमर्थो महान। यह जो प्रेम भक्ति है यह परम पुरुषार्थ है और धर्म अर्थ काम मोक्ष से आगे जाकर के इसके माध्यम से व्यक्ति अपने लौकिक और अपने पारलौकिक दोनों ही प्रकार के जीवन में उत्कर्ष पर पहुंच सकता है। अतः गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन, उनकी आध्यात्मिक यात्रा को समुचित ढंग से देखने के लिए हमें इस प्रेमा कुमार्थो महान के उद्घोष के साथ उन्हें जोड़कर देखना होगा। और इसके साथ साथ उन्होंने निरंतर अपने आप को प्रेम भक्ति के प्रति न केवल केंद्रित किया परंतु संपूर्ण जीवन का सार भी इसी रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया। उनकी जो दार्शनिक दृष्टि है वो प्रेम भक्ति को केंद्र में रखकर के प्रस्फुटित होती है और लिखते हैं वे कि चली सुभग कविता सरिता सी, चली सुभग कविता सरिता सी, राम विमल जस जल भरिता सी। ये गोस्वामी तुलसीदास जी, आप देखिए कि एक बार उनके जीवन में जब राम का आविर्भाव होता है तो संपूर्ण रूप में उनका जीवन परिवर्तित होता है और उसके आधार पर जब वे काव्य सरिता को हमारे मध्य प्रस्तुत करते हैं तो राम की भक्ति को केंद्र में रखकर अपना संपूर्ण जीवन उत्सर्ग कर देते हैं। कई बार दार्शनिक क्षेत्रों में इस विषय पर मतभेद रहा है कि उनकी जो दार्शनिक दृष्टि है उसको क्या माना जाए, उनकी जो अध्यात्म पथ पर आगे ले जाने की जो चेष्टाएं हैं उन्हें किस रूप में हम देखें। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन्हें समझने के लिए हमें प्रेम भक्ति को केंद्र में रखना होगा और इसके साथ साथ हमें आगम मूलक अद्वैतवाद को केंद्र में रखना होगा। बिना आगम मूलक अद्वैत को जाने तुलसी के दर्शन के साथ हम लोग न्याय नहीं कर सकते और उसे अद्वैत की छवियां भी वहां मिल रही हैं, विशिष्टाद्वैत की छवियां भी वहां पर मिल रही हैं, द्वैतवाद की छवियां भी वहां पर मिल रही हैं, लेकिन ये तुलसी की विशेषता है कि वे विविध स्तरों पर चली आ रही हमारी दार्शनिक दृष्टियों को अत्यंत सरल निर्मल रूप में हमारे अंदर उतारने की चेष्टा करते हैं। लेकिन उसके बीच से तुलसीदास जी अपनी पूरी मौलिकता के साथ हमें उस पथ पर ले जाना चाहते हैं जो उन्हें प्रिय है। और इसीलिए आप देखिए कि जो नाना पुराण निगमागम सम्मत संपूर्ण राम काव्य, रामचरित मानस और अन्य जो उनकी कृतियां हैं वो इन सब का एक तरह से निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। इसीलिए तुलसीदास जी का निष्कर्ष एक तरह से संपूर्ण भारतीय वाङ्मय का निष्कर्ष है, वह सिद्धांत है। तुलसी की वाणी मंगल भवन अमंगल हरी, तुलसी का जीवन मंगल भवन अमंगल हरी, अतः उनके काव्य के माध्यम से जितने जितने संदेश जिस जिस स्तर पर हम प्राप्त करना चाहें वह सब हमें प्राप्त होते हैं। उनकी वाणी सुर सरी के समान सबकी हितकारिणी है।
वह वर्ग अवर्ग समुदाय धर्म नस्ल तमाम प्रकार के भेदों से हमें ऊपर ले जाती है। एक समय रामानंद जी के गुरु राघवाचार्य जी ने उनसे कहा था, आप देखिए कि हमारी जो शाश्वत जो गुरु शिष्य परंपरा है वो कितना अद्भुत योगदान देती है, किस तरह से तुलसीदास जी के मानसिक विकास में और दार्शनिक धरातल पर उनकी नवीनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमें बिना रामानंद जी को जाने, बिना राघवाचार्य जी को जाने, हमें तुलसी के साथ किसी दार्शनिक या आध्यात्मिक यात्रा के स्तर पर देखना उनके साथ एक तरह से अन्याय करना होगा। राघवानंद जी ने कहा है, करो पुत्र विमुखों को भक्ति परायण, करो पुत्र विमुखों को भक्ति परायण, करे सभी श्री रामचरित्र का गायन, जग जग कर्ता के स्वरूप को पहचाने, दुख द्वंद से दूर प्रेम रस छाने। तो आप देखिए कि दुनिया को प्रेम रस का आनंद दिलाने का कार्य करने के लिए रामचरितमानस का आविर्भाव हुआ, वो सारे संसार के मध्य सेतु बनाने की चेष्टा करती है। और इसीलिए कहा गया कि जैसे एक सेतु स्वयं राम ने बनाया था उस रावण पर विजय के लिए, तो दूसरा जो सेतु है वो जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने बनाया, और तीसरा सेतु रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनाया है। अतः तुलसी का रामचरितमानस विश्व को बहुत कुछ दे सकता है। ऐसे समय में जब तमाम प्रकार की हिंसा, आतंक, परस्पर विभेद की स्थितियां दुनिया के तमाम देशों में हमें दिखाई दे रही है, उसके बीच वह हमें प्रेम का, परस्पर भ्रातृत्व का, बंधुत्व का संदेश देने का वो काम करता है। तुलसी का रामचरितमानस सार्वभौमिक जीवन मूल्यों का आधार ग्रंथ है। ऐसा कोई मूल्य नहीं है, वो चाहे पारिवारिक जीवन का हो, चाहे सामाजिक जीवन का हो, हमारे द्वारा की जाने वाली तमाम प्रकार की आध्यात्मिक अनुभूतियां हो, या हमारा जो विचार जगत है उससे जुड़े हुए, ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको रामचरितमानस में छुआ नहीं गया। और इसीलिए मैं अभी आपसे कह रहा था कि रामचरितमानस के सामने केवल एक ग्रंथ है और वो है हमारी श्रुति और वेद। रहीम को जब मौका मिला तुलसीदास जी के बारे में कहने का, तो उन्होंने कहा, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवन को वेद सम यव नहीं प्रकट पुराण। आप देखिए कि उधर वेद और उधर पुराण, यदि इन सब का सार या सब का जो भाव है यदि कहीं एक ग्रंथ में साकार होता हुआ दिखाई देता है तो रामचरितमानस के रूप में दिखाई देता है। तुलसी के दर्शन और तुलसी की प्रेम भक्ति सर्वे प्रकृति अधिकारिण का उद्घोष करती है। वो संकेत देती है कि संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे भक्ति का अधिकार नहीं है। वो किसी भी समुदाय का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी रंग या नस्ल का हो, सभी के लिए भक्ति का पथ सुगम है। और इसीलिए आप देखिए कि चाहे निषाद राज भू हो, चाहे केवट हो, या जटायु जैसा जो एक गिद्ध भी क्यों ना हो, और ऐसे अनेकानेक शबरी हो, सभी को प्रपत्ति का अधिकार है। यह जो संकेत हमारे पूर्व पुरातन पुरुषों ने दिया था उसे एक सरस काव्य के माध्यम से उन्होंने प्रत्यक्ष कर दिया। तुलसी का रामचरितमानस दक्षिणा से वरुणता की यात्रा करवाता है। पहले उन्होंने दर्शन किया, उसके बाद वर्णन किया। बिना दृष्टि के सृष्टि नहीं हो सकती, यह सिद्ध करता है रामचरितमानस। उनकी कविता लक्षणाद वर्णनाद चैव लोके जाता कवि श्रुति है, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सूझहि रामचरित मनि माने, एक बार जब जीवन के अंदर राम का भाव, राम के प्रति प्रेम का बोध यदि उत्पन्न हो जाता है, उसके बाद तो फिर मणि माने की जो है वह प्रकट होने लग जाते हैं। गुप्त प्रकट जब जो जही खाने, जो जो जहां जहां पर ये जो गुप्त मणियां हैं, माणिक्य हैं, वो प्रकट होने लग जाते हैं। तुलसी के जीवन में भी यह परिवर्तन आता है। एक बार जब राम के प्रति भक्ति भावना उनके अंदर उत्पन्न होती है, उसके बाद सूझ जाता है रामचरितमानस। अतः बिना दर्शन के वर्णन संभव नहीं था।
संकट यह है हमारा कि हम लोग उसके प्रसंगों को काट कर अलग अलग हिस्सों में देखने दिखाने का जो उत्साह है वो प्रकट करते रहते हैं। यदि रामचरितमानस को समग्रता में यदि हम हृदयस्थ कर ले तो हमारा जीवन बदल जाए। रामचरितमानस संपूर्ण जीवन की आचार संहिता है। तुलसी का दर्शन त्याग मार्गी निर्विशेषाद्वैतवादी शंकर का दर्शन नहीं है। वे शंकर जो कि राग का अत्यंत निषेध करते हैं वे तुलसी के लिए उपादेय नहीं है और इसीलिए उन्होंने प्रेम भक्ति की अवधारणा पर केंद्रित होकर संपूर्ण रामचरितमानस और अन्यान्य काव्य सरिता का प्रवाह हमारे मध्य प्रस्तुत किया है। जितने भी वैष्णवाचार्य हैं वे प्रायः सभी शांकरत्व और मायावाद का निषेध करते हैं। तुलसी भी करते हैं लेकिन तुलसी उनसे आगे जाते हैं। तुलसी इसलिए उनसे आगे जाते हैं कि वे उसके अंदर निर्विशेष की स्थिति भी दिखाते हैं, वह निर्गुण की स्थिति भी दिखाते हैं और सगुण साकार की स्थिति को भी फिर प्रकट करते हैं। और जब सगुण और निर्गुण के मध्य भेद खड़ा होता है तो उससे आगे जा करके वे नाम की महिमा को रेखांकित करते हैं कि नाम की महिमा के माध्यम से सगुण भी आसान हो जाएगा और निर्गुण भी सहज हो जाएगा। इस रूप में तुलसी ने केवल भारतीय दार्शनिक परंपरा को केवल आत्मसात नहीं किया, उसमें अपनी ओर से अभिवृद्धि भी की है। और यह जो अभिवृद्धि है मुझे लगता है कि तुलसी के दर्शन को स्वयं तुलसी के दर्शन के रूप में हमें देखना चाहिए, क्योंकि इस संसार में राम से परे कुछ भी नहीं है। हरि व्यापे सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाने। प्रेम के माध्यम से वे प्रकट होते हैं, चाहे हमारा उपनिषद दर्शन हो चाहे वेदांत दर्शन हो। उसका जो सातत्य है उसको यदि समन्वित रूप में किसी ने लोक जनीन बनाने की चेष्टा की है तो तुलसीदास जी ने की है। अरूप अगुण अरूप अलख अज जोई भगत प्रेम बस सगुण सोई। यह संसार जो है वो ज्ञान के माध्यम से पार नहीं किया जा सकता। ये जो संसार है ये भक्ति के माध्यम से पार किया जा सकता है और जिसकी वर्तमान विश्व को आवश्यकता है, क्योंकि बिना प्रेम के बिना श्रद्धा के बिना विश्वास के संपूर्ण विश्व जो है वो ज्ञान विज्ञान के शिखर पर जरूर खड़ा हुआ है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चुनौतियां बहुत सारे संकट भी हमारे मध्य आ रहे हैं। इसीलिए तुलसी की जो वाणी है वो संकेत करती है मोरे मत बड़ नाम दुहुते, मोरे मत बड़ नाम दुहुते किए जेहि जुग निस बच बस निज होते। एक राम नाम की जो महिमा है उसके आधार पर हम निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति और दोनों की जो विशेषताएं हैं उन सबको हम प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म जो अकथनीय है जो अनीय है जो अथाह है जो अनादि है जो सत्य है जो चित है जो आनंद स्वरूप है उनकी सम्मति में नाम से बढ़कर के तो वह भी नहीं है। अतः नाम की महिमा उधर कबीर वाणी के माध्यम से हमारे मध्य आती है तो नाम की महिमा तुलसी के माध्यम से आती है, संत रविदास जी के माध्यम से आती है। और इस रूप में यदि हम देखें तो उसे हमको देखना चाहिए कि जैसे अग्नि है, अग्नि जब प्रत्यक्ष नहीं होती तब वह उस वृक्ष में होती है लेकिन जब वह प्रत्यक्ष होती है तब हम उसका आनंद लेते हैं। तो निर्गुण और सगुण की स्थिति भी इसी प्रकार की है कि जब वह प्रत्यक्ष नहीं है तब वह निर्गुण है और जब अग्नि के समान वह प्रत्यक्ष हो जाती है तब वह सगुण होती है। अतः इन दोनों के मध्य कोई अंतराल नहीं है। तुलसी की माया दृष्टि, तुलसी का माया के बारे में दृष्टिकोण, तुलसी का जीव के बारे में दृष्टिकोण, तुलसी का जगत विचार और तुलसी की साधना पद्धति, ये सब मिलकर के बहुत व्यापक विशद संसार हमारे बीच प्रस्तुत करते हैं। समय की मर्यादा है अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तुलसी की साधना पद्धति भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए सारे संसार को प्रेम और बंधुत्व के भाव से बांधने की चेष्टा करती है। वह समग्रता की वाणी है, उसकी कोटि का कोई दूसरा न काव्य है और न धर्म ग्रंथ है। आप सभी ने सुना, धन्यवाद।
माधव महाविद्यालय में 3 दिवसीय श्री रामचरितमानस पर आधारित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का हुआ शुभारंभ। अनुपात क्षेत्र में स्थित शासकीय माधव महाविद्यालय में श्री रामचरितमानस पर भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली एवं शासकीय कला एवं वाणिज्य माधव महाविद्यालय द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को संगोष्ठी का शुभारंभ डॉक्टर आर एस भट्ट नई दिल्ली, डॉक्टर आर सी सिन्हा पटना, प्रोफेसर प्रशांत पुरानी, प्रोफेसर शैलेन्द्र शर्मा, डॉक्टर चिंतामणि मालवीय मध्य प्रदेश अभियान परिषद के उपाध्यक्ष विभाष उपाध्याय, जन भागीदारी अध्यक्ष श्री बुद्ध सिंह सेंगर, माधव कॉलेज के प्राचार्य जवाहरलाल बरमैया जी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। सभी अतिथियों का माधव महाविद्यालय द्वारा शॉल, श्रीफल एवं पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। माधव महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय श्री रामचरितमानस संगोष्ठी में कई विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। बस एक दार्शनिक आध्यात्मिक 3 दिन तक सम्मिलित होने के लिए जो हमारे अतिथि आए हैं। भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के सौजन्य से शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन द्वारा 3 दिवसीय एक महत्वपूर्ण संगोष्ठी का आयोजन यहाँ अभी प्रारंभ हुआ है। यह जो आयोजन है यह अनेक दृष्टियों से बहुत महत्व का है, क्योंकि इसमें केंद्र में जो विषय है वह संपूर्ण विश्व वाङ्मय का जो एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है रामचरितमानस, उस पर यह केंद्रित किया गया है। उसकी संपूर्ण दार्शनिक पीठिका, उसकी आध्यात्मिक यात्रा, उसके विविध विविध पक्ष और मानव जीवन के उन्नयन में, परिवर्धन में उसका क्या योगदान हो सकता है, इस पर यह महत्वपूर्ण विमर्श हो रहा है। इस आयोजन में देश के अनेक भागों के सुधीजन यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा अनेक जनप्रतिनिधिगण, अनेक दार्शनिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तित्व, सुधी साहित्यकार, विद्वान इस आयोजन में सम्मिलित हो रहे हैं। ये निश्चित तौर पर उज्जैन के सांस्कृतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शासकीय माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी रामचरितमानस दार्शनिक एवं आध्यात्मिक पर आधारित संगोष्ठी है। यह संगोष्ठी भगवान श्री राम के पूरे जीवन पर आधारित है और प्रकांड विद्वान तुलसीदास जी ने रामायण में भगवान श्री राम के कार्यों का पूरा उल्लेख किया है, जिसके कारण पूरा हिंदू संस्कृति जो है सनातन धर्म से उसका पालन करते आ रही है। हिंदू या कोई भी धर्म का या किसी भी समुदाय का कोई भी मानव हो, वो यदि रामायण पढ़ता है और उसके पथ चिन्हों में चलता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, सफल हो जाता है। ये संदेश जो है प्रकांड विद्वान तुलसीदास ने अपने रामायण कथा में की है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये 3 दिवसीय यहाँ संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें कि प्रदेश और राष्ट्र स्तर के बहुत से दार्शनिक आध्यात्मिक विद्वान यहाँ पर पधारे हुए हैं। ये रामचरितमानस पर 3 दिवसीय गोष्ठी का आयोजन रखा गया है, इसमें देश विदेश के विद्वान लोग एकत्रित हुए हैं। ये 3 दिन तक कॉलेज में कार्यक्रम चलेगा। इस अच्छे आयोजन के लिए मैं सभी को बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर भरमैया जी का बहुत और मिश्रा मैडम का बहुत योगदान रहा इस कार्यक्रम कराने में। धन्यवाद।